तो दोस्तों ये रोहित है, ये फाइनली एग्जाम होने के बाद गांव जा रहा है। तो मिलते हैं रोहित को। तो रोहित कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा है। नहीं मतलब ये अबे यार, बहुत अच्छा मतलब लग रहा है। कैसा लग रहा है तुम्हें गांव जाने के जा रहे हो? तो अच्छा लग रहा है। अब बहुत दिन हो गए हम अपने माँ पिताजी से मिले नहीं, हाँ ये बात तो सही है, हाँ लेकिन इसलिए और क्या लग एक्साइटेड। रहा है कि ये तू हॉस्टल भी छोड़ रहा है, इसलिए इसके बारे में क्या कहेगा? हाँ अपने आप दोस्त वगैरह यही छोड़ के ना थोड़ी गिल्ट फील कर रहा हूँ, अच्छा लेकिन अब उधर गांव भी जाना पड़ेगा क्योंकि अब हॉस्टल बंद हो जाएगा। हाँ, कल हम भी जाएंगे। तो हाँ चलिए रोहित को छोड़ते हैं बस स्टॉप तक। निवीर मेरे साथ है। आतिश भाई तुम कुछ अबे ये भाई का प्यार देखो, ये भाई का प्यार देखो, ये भाई का प्यार। रोहित चला आगे, हम उसके पीछे उसका सामान लेकर। ओके तो अभी रोहित के साथ मैं गौरव आतिश और ये रोहित है। हम अब जा रहे हैं बस स्टॉप पर उसे छोड़ने। कल मैंने बताया था कि एक व्लॉग में कि जहाँ यवतमाल ट्रैवल्स डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर जाती है उसी ट्रैवल से रोहित जाएगा। तो चले रोहित को छोड़ने अब हम। तो सॉरी दोस्तों, रोहित को हम दिखा ना पाए टेक्निकल इश्यू से, क्योंकि हम गड़बड़ी में आए थे और बस लगी हुई थी और रोहित सीधा चला गया। तो अब हमने सोचा कि इसी बहाने यहाँ आ गए तो क्यों ना हम इस सिटी का मार्केट घूम ले। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मार्केट में। मेरे पापा ने कहा था कि यहाँ से अतली अति क्या कहते हैं, कच्ची केरिया अचार बनाने के लिए। तो पापा ने कहा था कि लेके आओ बेटा, तो कल सोचा कि ले जाऊँ क्योंकि कल हम जा रहे हैं, तो पता नहीं कि कल समय मिलेगा या नहीं। तो अभी हम मार्केट जा रहे हैं। तो दोस्तों आगे से हमारा दोस्त प्रमोद वो शॉपिंग करके आ रहा है। प्रमोद रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। तो तू क्या शॉपिंग करने गया था? शॉपिंग करने गया था, आज का हॉस्टल का लास्ट दिन है। हम भी हमने भी सोचा कि हम भी वहाँ पे कच्ची के एरिया में मतलब वो अचार बनाने के लिए वो खरीदने जा रहे हैं। क्या क्या खरीदा तूने? नाइट पैंट, टी शर्ट, चड्डी खरीदी मैंने। अबे कुछ भी बोलता है, फिर जाओ फिर। कल हम गांव को जा रहे, तुम भी? आज जा रहा हूँ। आज जा रहा है तो दोस्तों प्रमोद गांव को जा रहा है और हम शॉपिंग करने जाते, तो ये आते हैं प्रमोद। ओके हाँ ठीक है। तो प्रमोद अभी भी गया पीछे। ये है दोस्तों इस सिटी का शिवाजी चौक, इसे क्या बोल और तिलक चौक भी कहते हैं ना, दिशी थे तिलक चौक भी कहते हैं और शिवाजी चौक भी कहते हैं। तो ये हमारे सिटी का मोस्ट बिजी ट्रैफिक एरिया है, आपको सभी ट्रैफिक दिखा रहा हूँ मैं। दोस्तों यहाँ पे आवाज़ भी मेरी कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रही है क्योंकि मतलब बहुत ही अच्छा, ये सबसे बिजी एरिया है यहाँ का ट्रैफिक के मामले में। और यहीं पे सभी मार्केट्स, टपरी और सब कुछ हो रहा है रिकॉर्ड। लोग भी कई स्टूडेंट यहाँ पे दिख रहे हैं और ये दुकानें, बैग्स, क्योंकि अभी अभी स्कूल चालू हुए हैं हमारे स्टेट के, तो यहाँ पे आपको बैग की ज़्यादा दुकान लगे दिखे होगी। दोस्तों अब जा रहे हैं हम मार्केट में, ये रास्ता है मार्केट का। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मार्केट के अंदर और ये एरिया है घरसंसार चौक का, यहाँ से गोल कहते मतलब गांधी चौक में हम जा रहे हैं। अभी मेरे साथ गौरव है और आगे अतीश है, तो चलिए हम मार्केट चलते हैं।
अभी हम पहुँचे मार्केट के एरिया में, जिसे गांधी चौक भी कहते हैं। आगे गांधी चौक है, मतलब यहीं से कमान का एरिया, कोई गोल, कोई मार्केट एरिया, कुछ कुछ नाम से यहाँ पे एरिया फेमस है। दोस्तों पीछे कुछ केरिये के दो दुकान गए थे, मतलब सब्जी वाले दो बैठे थे, दो दुकान, और मार्केट घूमते घूमते अब हम मेन जो एरिया है मार्केट का वहाँ पर घूम रहे हैं। तो सोचता हूँ कि अब कुछ मार्केट एरिया में चलते हैं। अब दोस्तों दोस्तों मार्केट से निकलने के बाद वहाँ तो हमें कच्ची का एरिया, मतलब उसे क्या कहते हैं, अचार वाले आम तो नहीं मिले, लेकिन हमने बाहर आकर खरीदे हैं। और अभी अतीश ने 30 रुपये की एक पाव ही है ना अतीश, जलेबी खरीद लिए, क्योंकि वो सोच रहा था कि रूम पे जाकर अब कुछ मीठा खाया जाए, तो इसलिए खरीदी अतीश ने। अब हम जिस रास्ते से आए थे उससे दूसरे रास्ते से अब हम बाहर जा रहे हैं मार्केट के। मेरे साथ अतीश है, आगे गौरव भी है। मार्केट से बाहर निकले दोस्तों, और ये मेरे दिख रहा है मेरे पीछे, ये रोड वीरानी टॉकीज को जाता है, और पहले वो टॉकीज थी इस एरिया के सिटी की, अब वो फंक्शन हॉल बन चुका है। अब मार्केट से बाहर निकले, अतीश ने अपने हाथ में सामान पकड़ा है और वो भी आगे है। अब हम मार्केट से बाहर निकल कर कम भीड़ वाले एरिया से, मतलब ये भी रोड ही है यहाँ का, तो कम भीड़ वाले एरिया से जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले जिस तिलक चौक की हमें बात की थी हमने, वो अभी मेरे पीछे गया है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं इस सिटी के ग्राउंड पर, जहाँ पे डिफेंस सर्विस की सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं, और फिटनेस ग्राउंड है इस सिटी का। तो चलिए देखते हैं ग्राउंड। तो फाइनली सबसे पहले मेरे दोस्त ने एंटर किया है यहाँ पे। तो दोस्तों ये है हमारे सिटी का ग्राउंड। अभी दोपहर के 1 बजे है, इसलिए यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा। अगर आप इस पर सुबह और शाम को आएंगे तो आपको यहाँ पर सभी, मतलब मैंने बताया था एक ब्लॉग में कि डिफेंस सर्विस की प्रैक्टिस करने वाले सभी यूथ आपको यहाँ पर अपनी डेडिकेशन वर्क, मतलब हार्ड वर्क करते समय आपको दिखेंगे। अतीश कुछ मराठी में बोल रहा था डेडिकेशन के बारे में। ओके तो अभी यहाँ फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर फुटबॉल भी खेला जाता है, ये देखो फुटबॉल का यहाँ पे नेट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फुटबॉल भी खेला जाता है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर फुटबॉल खेलते हैं। और दोस्तों कभी कभार हमारे सिटी में, मतलब अतीश तो JCL वो क्या बोलते हैं उसे, JCL ना फुटबॉल लीग, JCL फुटबॉल लीग होती है दोस्तों यहाँ पर। तब समय उसी समय विदेश से भी, नहीं क्रिकेट की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, फुटबॉल की, तभी यहाँ पर विदेश से भी आते हैं, कोरिया जब, मतलब अफ्रीकन कंट्रीज, वहाँ से भी लोग यहाँ आते हैं, मतलब प्लेयर्स फुटबॉल खेलने के लिए। दोस्तों
इस ग्राउंड पर मैं कभी एक बार अच्छी तरह से ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ से गुजर रहा था इसलिए मैंने इस ग्राउंड के बारे में बताया। दोस्तों हमको मिल गया है हमारा फौजी भाई अज्जू, अग्निवीर फौजी। तो ये मराठी में बोल रहे हैं, हाय अज्जू। ये है अग्निवीर दोस्तों। तो ये है दोस्तों अज्जू, और ये को हमें कुछ पढ़ाई के बारे में, एडमिशन के बारे में पूछ रहा है। ये अभी 12th क्लास में है और हमारा ये फ्यूचर फौजी है। अज्जू बोल दो भाई के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो और मजा करो, बाय। दोस्तों वहाँ से चलने के बाद अब हम आए हैं हमारे रूम के पास। यहाँ से कुछ ही देरी पर, मतलब 200-300 मीटर कर हमारे रूम है। तो दोस्तों रूम के पास आ चुके, लेकिन कुछ देर पहले एक सब्जी वाले बूढ़े इंसान थे, मतलब उनको वो गाड़ी